तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मुकेश, मैं यहाँ नए वीडियो के साथ में। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैक्स प्रो M1 एंड्रॉयड 10 का जो बीटा वर्जन है वो कब तक मिलेगा, और एक तो एसूस की क्या बोलता है इसके बारे में, और जो यूज़र हैं वो क्या बोलते हैं, जो कस्टमर हैं वो क्या बोलते हैं। तो हम दो राय रखने वाले हैं। सबसे पहले तो जो एसूस की राय है उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरी बार हम बात करेंगे जो कस्टमर है वो क्या बोलता है और कौन सही है, मतलब क्या कुछ मामला है, और हमें कब तक एंड्रॉयड 10 का बीटा वर्जन देखने को मिलेगा और स्टेबल वर्जन भी कब तक देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसूस की बात करेंगे। एसूस आखिर मैक्स प्रो M1 के लिए जो एंड्रॉयड 10 का बीटा वर्जन है या एंड्रॉयड 10 का जो स्टेबल वर्जन है वो क्यों नहीं दे रहा है। तो इसके ऊपर एसूस ये बोलता है कि हमारे लिए जो मतलब प्रोसेसर हमने मैक्स प्रो M1 के अंदर यूज़ किया है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636, और जो सोर्स कोड वगैरह है, मतलब कि जो सिक्योरिटी पैच है, जो एंड्रॉयड सिस्टम है सारा का सारा, वो हमने गूगल से लिया हुआ है। जब तक कॉम स्नैपड्रैगन हम एसूस को एसूस ये बोलता है कि जब तक हमारे लिए क्वालकॉम जो ड्राइवर्स हैं, जो एंड्रॉयड 10 के जो ड्राइवर्स हैं वो हमें नहीं देगा, तब तक हम जो स्टेबल वर्जन है या बीटा वर्जन हम नहीं दे सकते हैं। और जो गूगल है, जो क्योंकि गूगल का जो एक एंड्रॉयड सिस्टम है, तो गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम है, तो एसूस ये बोलता है कि क्वालकॉम और गूगल जो सोर्स कोड रहते हैं, कुछ कोड वगैरह रहते हैं, वो एसूस को चाहिए पड़ते हैं एंड्रॉयड 10 बीटा के लिए या फिर एंड्रॉयड 10 स्टेबल के लिए। तो अगर गूगल और क्वालकॉम एसूस की हेल्प नहीं करते हैं तो हमें एंड्रॉयड 10 का बीटा वर्जन या स्टेबल वर्जन नहीं मिलेगा। ये है कि ये कब तक हमें मिल पाता है। अब हम बात करें कस्टमर की, वो ये बोलते हैं कि हमें ना क्वालकॉम से मतलब है ना गूगल से मतलब है, हमने तो सिर्फ एसूस का जो स्मार्टफोन है वो खरीदा है, तो हमें सिर्फ एसूस से मतलब है। और एसूस ने वादा किया था अपने लॉन्च इवेंट में कि 2 यहाँ पर मेन अपडेट दिए जाएंगे एसूस मैक्स प्रो M1 के अंदर, जो एक एंड्रॉयड 9 का जो हमें मिल चुका है, और वो भी बहुत कभी मतलब बहुत बड़ी मशक्कत के बाद हमें मिला है। और सेकेंड है एंड्रॉयड 10 का अपडेट, तो एंड्रॉयड 10 का भी अपडेट देखते हैं कब तक मिलता है। और हालांकि एसूस ये बोल रहा है कि हमें जब तक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है वो सोर्स कोड या फिर ड्राइवर्स प्रदान नहीं करता है, और गूगल जो है वो सोर्स कोड प्रदान नहीं करता है, मतलब गूगल और एसूस इन दोनों पर, जो गूगल है और जो क्वालकॉम है, इन दोनों पर निर्भर करता है कि जो हमें जो एंड्रॉयड 10 का अपडेट है वो कब तक मिलेगा। अब देखना ये है कि ये कब तक अपडेट आते हैं। हालांकि न्यूज़ में आ रहा है कि मैक्स प्रो M1 के अंदर एंड ऑफ दिसंबर में हमें शायद एंड्रॉयड 10 का जो बीटा वर्जन है वो देखने को मिल जाए हमारे मैक्स प्रो M1 के अंदर। अब यहाँ पर क्लियर तो भाई नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत यहाँ पर लीकेज वगैरह निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं वहाँ बता रहा हूँ। तो हमें ज़रूरत है एंड्रॉयड 10 स्टेबल किया सबसे पहले बीटा की, तो बीटा मिल जाएगा तो हमें स्टेबल वो भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम एसूस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, सारा दोष हम एसूस को नहीं दे सकते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ गूगल भी मिस्टेक कर रहा है और क्वालकॉम भी मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की अगर ये दोनों अगर सपोर्ट करें एसूस को, तो एसूस जल्दी अपडेट देगा। बात नहीं कि हमारे मैक्स प्रो M1 के अंदर एंड्रॉयड 10 का वर्जन सपोर्ट नहीं करता, एंड्रॉयड 10 11 जो भी आएगा सारा कुछ यहाँ पर सपोर्ट करता है, लेकिन क्वालकॉम और गूगल भी दोनों अगर हेल्प करें एसूस की, तो एसूस हमें जल्दी अपडेट दे देगा। यही कुछ कहानी है, और देखते हैं कि कब तक आता है। और हमारा मानना है कि दिसंबर या जनवरी का बीटा या स्टेबल देखने को मिल जाएगा। अब एसूस को अगर जब तक कोड नहीं मिलते हैं और जो ड्राइवर्स वगैरह वो नहीं मिलते हैं, तब तक हमें एसूस नहीं दे सकता है कोई भी अपडेट, मतलब कि सिक्योरिटी पैच को छोड़कर। तो बस ये आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, कि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो लाइक शेयर करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।